हेलो फैमिली, वेलकम टू शो माय लास्ट कुकिंग पैशन। मैं फिर आ गई एक फिश सीख कबाब की अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। तो चलिए चलते हैं किचन में अपनी रेसिपी की तरफ। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करके प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैंने फिश लिया है 1.5 किलो और इसे विनेगर से अच्छे से वॉश कर लिया है। कुछ कुछ फिशेज सॉल्टी होती हैं, तो आप सॉल्ट उसी के अकॉर्डिंग डालिएगा। इसके मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून पपीता पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट, 1 टेबलस्पून लेमन जूस। और मैंने फिशेस के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और अब इसे अच्छे से मैरिनेट कर रही हूँ। मैरिनेशन में मैंने साथ में सॉल्ट भी डाला है। मैरिनेट करके मैं इसे 1 घंटे के लिए रख दूंगी। अब मैंने यहाँ पर और मसाले ले लिए हैं, केवड़ा, प्योर घी जिसे देसी घी भी हम कहते हैं, फिश मसाला, गरम मसाला, काश्मीरी मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब 1 टेबलस्पून होगा। मिर्च लाल पिसी हुई ली है, वो है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, वो है 3 से 4 टेबलस्पून। 1 घंटे के बाद मैंने मैरिनेटेड फिश में धनिया डाली और उसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद इसमें मैंने सारे सूखे मसाले, घी और केवड़ा सब डालकर अच्छे से इसे 10 मिनट तक इसी तरह मिक्स किया है। जैसे हम आटा गूंदते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसे गूंद गूंद पर अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसका मसाला खूब अच्छे से इसमें जज्ब हो जाए। अब मैं फटाफट से सारे सीख कबाब
हमारे यमी यमी से फ़िश सीख कबाब अब रेडी हो चुके हैं और कितना खूबसूरत कलर आ गया है और उतनी ही ज़बरदस्त खुशबू पूरे किचन में हो रही है। अब मैं इसे सर्विंग डिश में सर्व कर दूंगी और इसे आप सलाद और चटनी के साथ खा सकते हैं और इन्हें आप दावतों में भी बना के सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी फ़िश सीख कबाब की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब बटन दबाए नहीं जाइएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर रहूँगी एक ज़बरदस्त सी अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।